जब मैं ज्वाइन किया था उस टाइम पे एमएच आगरा में पोस्टेड था, मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा में पोस्टेड था, और मेरा जो चेक आया था पहला वो था 435 रुपए का। कितने का? 435 का चेक आया था। और 435 के बाद फिर 1000 का भी आया, 2000, 3000, 4000 सारे आए। और हर बार जैसे आज आप इस मीटिंग में आए हैं, मैं इसमें मीटिंग में सीखने के लिए जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऐसे सीखने के लिए मैं भी मीटिंग में जाता था और सीख सीख के आज इस बिजनेस की वजह से आप देखिए हमारे साथ में ये TDS सर्टिफिकेट है। और इसके माध्यम से मैं थोड़ा बता सकता हूँ आपको कि कैसे हमारी ज़िंदगी बदल सकती है या बदल रही है, ऐसे करके हम इस बिजनेस के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों देखना चाहते पक्का? तो अभी मेरा ये पहला जो एक महीने में TDS के माध्यम से आप देख रहे हैं 5600 रुपए के चेक आए। कितने का है? और मेरी तनख्वाह कितनी थी? 8000। तनख्वाह कितनी थी? तो आप बताओ तनख्वाह से आधा और कहीं से आमदनी आने लग जाए तो ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? फिर अगले महीने में मेरी आया 9000 रुपए की इनकम। कितनी आई? और तनख्वाह कितनी थी? 8000। तो आप बताओ इसमें ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो अगले महीने में फिर 9100। और उस टाइम पे हम लोग प्लान और वेन्यू चलाने लगे, ट्रेनिंग में आने लगे, लगातार बहुत सारे लोगों को भी हम बुलाते थे वो भी आने लगे। और जैसे जैसे आने लगे तो आप बताओ अगले महीने में मेरा चेक कितने का था जानना चाहते? अगले महीने का चेक था 32000। आप बताओ तनख्वाह से 4 गुना ज्यादा इनकम यहां से आने लगी। और ये जो पावर है टीम वर्क की पावर है। किसकी पावर है? क्योंकि पहले मैं अकेला था, मेरे दो हाथ थे एक मुंह था, लेकिन जैसे टीम में आए तो हमारे कई हाथ हो गए और कई मुंह हो गए। जब कई हाथ और कई मुंह होंगे और वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे तो काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो फिर बहुत सारे लोग आए, फिर 32000। अगले महीने में मेरा 40000 का चेक आया, उससे अगले में कितने का? 50 का। उससे अगले में 60 का। उससे अगले में कितने का? 75 का। उससे अगले में 91 का। उससे अगले में 1,00,000। उससे अगले में 1,03,000। उससे अगले में 1,32,000। और जब इस तरह के चेक आ रहे थे तो उस टाइम पे मैं एक बार छुट्टी गया 2-3 दिन के लिए। तो मैंने सोचा था कि जब तनख्वाह जितनी मेरी है उससे जब 8-10 गुना इनकम आ रही है तो मुझे फुल टाइम करना चाहिए। लेकिन फुल टाइम करना है करके घर वालों से बोलने का पंगा कौन ले? पंगा है कि नहीं? तो मैं घर पे गया और मैंने सोचा कि अगर वैसे बोलने से तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सिस्टम के सिखाए हुए टेक्निक के मुताबिक अगर बात की जाए तो हमारा पक्का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैंने जाके घर पे पूछा कैसी इनकम हर महीने में 1,00,000 रुपए आ रही है, कैसा लग रहा है? तो हमारे घर वालों ने बोला बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। मैंने बोला ये देख लिया? बोला हाँ। मैं बोला अभी देखो अपलाइन के चेक और दिखाए मैंने। तो अपलाइन के चेक थे 5.5 लाख रुपये महीना, 6 लाख रुपये महीना, 7 लाख रुपये महीना, 8 लाख रुपये महीना। तो घरवाल आपको पता ही इस दुनिया में कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, किससे दुखी रहते हैं? दूसरे के सुख से दुखी रहते हैं। तो हमारी मैडम बोलती है, बोला तेरे तो ठीक है 1,00,000-1,25,000, लेकिन इनके इतने ज़्यादा क्यों हैं? मैं बोला ये फुल टाइम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? फुल टाइम कर रहे हैं। तो मेरे को बोल रही तू फुल टाइम क्यों नहीं करता? तो मैं बोला सरकारी नौकरी है यार, उसको कैसे छोड़ दे, कोई पंगा हो गया तो? बोला इन्होंने छोड़ दी, तू भी छोड़ दे और पंगा होगा हम संभालेंगे, चिंता मत कर आजा। तो फुल टाइमर आ गए। यस सर? लेकिन ये वही मैडम है जिसने पहले जब शुरुआत करी थी और जब चेक आ रहे थे 10,000, 15,000 के, 20,000 के महीने में, उस टाइम पे मैं छुट्टी गया। जैसे छुट्टी गया जाते मेरे को बोला चेक आते हैं अरब तक काय के आते हैं? मैं बोला मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी है उसमें भी काम कर रहा हूँ, वहाँ कमीशन मिलता है मेरे को। तो मेरे को बोला तेरे को सरकारी नौकरी करने के लिए भेजा था या प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए भेजा था? खबरदार अगर प्राइवेट कंपनी के चक्कर में पड़े तो आप सरकारी नौकरी पर फोकस करो, वहां पर ध्यान दो। बोला प्राइवेट कंपनी का कोई भरोसा नहीं है, प्राइवेट कंपनी तो मंडेरे पर रखा हुआ दिया तक की तरह है, ऐसे जैसे हवा आएगी वैसे बुझ जाएगा। तो मैं तो ट्रेंड बंदा था, 8 स्टेप ट्रेनिंग ले रखी थी मैंने, कोर ट्रेनिंग ले रखी थी। मैं बोला देवी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, प्राइवेट कंपनी का तो साली का नाम भी नहीं लेना चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान सरकारी पे करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो उनको लगा यार ये तो बड़ा जल्दी मान गया। मैं बोला आज के बाद प्राइवेट कंपनी में काम नहीं करेंगे, सिर्फ कब सरकारी के लिए भेजा था उसी में हम फोकस करेंगे। बोला ठीक है। तो 1-3 दिन के लिए गया था, अगला दिन बीत गया। लास्ट वाले दिन जब मैं आ रहा था
तो फॉलोअप करना तो जानते ही हम लोग, यस और नो? अरे हमने सीखा था, हर बार ट्रेनिंग में जाते थे, हर बार प्लान में जाते थे, फॉलोअप में जाते थे, तो कर करके सीखा था। तो मैंने मैडम को बोला, मैंने बोला सरकारी नौकरी वाली लेके आना जो पासबुक, तो लेके आई। मैं बोला इसमें कितना कितना है पिछले 3 महीने में, तो उन्होंने बोला मई में 6,000 रुपये, क्योंकि तनख्वाह 8,000 थी लेकिन कट पिट के 6,000 मिलते थे। बोला मई में 6,000 रुपये, जून में 6,000 रुपये और जुलाई में भी 6,000 रुपये। तो मैंने बोला ठीक है, अभी सेफ शॉप वाली लेके आ पासबुक, उसमें कितना कितना है। तो बोले लगी, बोला इसमें तो हफ्ते हफ्ते में आते, माँ कोई बात नहीं महीने का जोड़ ले, सही है। तो महीने का जोड़ा उन्होंने, तो जोड़ने के बाद हिसाब किताब लगाने के बाद बोली मई में सेफ शॉप वाली कॉपी में 14,000 रुपये आए, जून में 18,000 रुपये आए और जुलाई में 23,500 रुपये आए। मैं बोला अभी सेफ शॉप वाली कॉपी को ना फाड़ दे, इसमें आगे से कुछ भी नहीं आएगा। मैं बोला फाड़ अभी इसी को, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही उसको फाड़े। बोला क्यों फटवा रहे हो इसको? मैं बोला इसमें काम ही नहीं करना, अभी फिर आएगा, फिर बाप बताओ काम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा क्या? बोला नहीं आएगा, माँ फिर इसको फाड़ दे। तो मेरे बगल में खड़ी थी, धीरे से कोनी मारी, बोला लग रहा आप मेरी बात को ना दिल पे ले गए। मैं बोला यार इसमें दिल पे लेने वाली क्या बात है, आपने बोला इसमें काम नहीं करना, नहीं करेंगे, हमने इसकी खीर खा रखी है क्या, हम तो सरकारी पे ध्यान देंगे। बोला नहीं थोड़ा थोड़ा कर लिया करो। फिर मैं तो और भी शेर पक गया, मैं बोला बट ब्लडी थोड़ा थोड़ा, कई काम ऐसे होते या तो पूरे ही होते या तो नहीं होते, या चलो। तो बोली जाओ तो फिर पूरा कर लिया करो। तो पूरा काम करने के परमिशन मिल गया, और फिर बाद में जब सेकंड फॉलोअप किया तो उस टाइम पे फुल टाइम करने का मौका मिल गया।